बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी आइडियाज़। कारोबारी आइडियाज़ में खुश आमदीद दोस्तों। ये किचन हमने तैयार किया है, अभी ये तैयार हुआ ही है तो हमने इसकी वीडियो जो है वो बना दी है आपको, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दोस्तों ये 10x14 का किचन है, 10x14 का किचन है। इसमें जो नई चीज़ हमने बनाई है, ये हुड हमने चेंज कर दिया है। आप जो बाज़ार से हुड ख़रीदते हैं वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में आप परचेज़ करते हैं, ठीक है जी। ये हमने तकरीबन इसमें किचन में एग्जॉस्ट फैन था, उसी को हमने बंद करके पाइप लगा के ये हुड तैयार कर दिया है। तकरीबन इस पर हमारा 3,350 रुपया टोटल विद मजदूरी खर्चा आया है इस हुड पे, ठीक है जी। अगर आपका दूसरा हुड 100% काम करता है तो ये 50% ज़रूर काम करेगा, ठीक है जी। आप इससे काम चला सकते हैं। अगर आप मैनुअल जो है वो हुड नहीं लगा सकते, सेंसर वाला हुड नहीं लगा सकते, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब आप इससे बेहतरीन काम चला सकते हैं, ठीक है जी। ये 3 फुट का हमने रखा है, 36 इंच, ठीक है जी। इससे कम अगर रखेंगे, अगर आपके पास जगह कम होगी तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 36 इंच का हुड है, ठीक है जी। हाँ, इसके कैबिन जो हैं वो आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ जो कैबिन है वो ऊपर की तरफ हमने खोल दिए हैं, ठीक है जी। शाख लगाए हैं अच्छे वाले, इसको हाइड्रोलिक वाले। कैचर दस्तियाँ जो भी हैं वो सारे स्टील के हैं, अच्छे वाले। अगर दो फैमिलियाँ भी हों तो तब ये किचन माशाल्लाह से खुला है, काफ़ी है दो फैमिलियों के लिए। यहाँ भी हाइड्रोलिक वाले जो पल्ले हैं वो लगा दिए हैं। बॉक्स जिस शीट का हमने बनाया है वो लैमिनेशन का है और फ्रंट पे एमडीएफ के पल्ले लगाए हैं। पीवीसी की ट्रिम लगा के जो बॉर्डर है वो भी इसी शीट का हमने तैयार किया है, बिल्कुल जो मैच हो गया है। आपको इस पे पेंट या पॉलिश करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी, ये रेडी है। काम वाले पेंट वाले का काम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। आगे आ जाए भाई, यहाँ पे सीढ़ी है किचन में, ठीक है जी। ये कोने वाला जो कैबिन था वो हमने इसको भी शाख लगा के ऊपर की तरफ खोल दिया है, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बहुत ज़रूरी है बतानी, वो आप देख सकते हैं कि मार्बल लगा के इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है तकरीबन 2.5 इंच। अगर ये काम ना किया हो तो आपके पल्ले जो हैं ये नीचे वाले ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे इसको कवर किया गया है अच्छे तरीके से, ये आपके दरवाज़े जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। पानी गिरेगा तो ज़मीन पर गिरेगा, यहाँ पर पल्लों के ऊपर नहीं गिरेगा। दस बाई चौदह का किचन तैयार करने में जो टोटल ख़र्चा आया है विद मजदूरी, वो तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपया इस पर टोटल ख़र्चा आ गया है विद मजदूरी। फ्रंट पे एमडीएफ की शीट लगा के, अगर आप यूवी हाई ग्लास की लगाते हैं तो इसका ख़र्चा जो है इससे बढ़ जाएगा। तकरीबन अगर 2 या 3 शीटें फ्रंट पे लगेंगी, उसका जो इजाफी ख़र्चा होगा वो बढ़ जाएगा, तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपया ख़र्चा और बढ़ जाएगा। यानी कि ये 65 से 70 हज़ार रुपये में हमारा किचन